ये ले तेरी गिफ्ट। गिफ्ट क्या? गिफ्ट ओहो वाओ घड़ी। कपूड़ा, जो समय की कीमत करता है समय उसकी कीमत करता है। गणपति बाबा का पेंडेंट। यस स्वीट बाबा, थैंक यू। ये बाबा तुम्हारे साथ हमेशा आशीर्वाद के रूप में रहेंगे। बोला गणपति बाबा। गांधी जी का तो सारा जीवन ही सच की डगर पे चला है और उनकी आत्मकथा में उनके जीवन का सारा निचोड़ है, उनके अनुभव है। जीवन में जहाँ कहीं भी तुम अटकोगे गांधी जी के अनुभव तुम्हारे काम आएंगे। करेक्ट। चलो तीनों के फॉर्म तो भर के हो गए, अभी मेरिट लिस्ट का वेट करना है। आई होप एमके गांधी कॉलेज की मेरिट लिस्ट जल्दी से आ जाए। तारक, समय कितना जल्दी गुजर जाता है। अपनी टप्पू सेना स्कूल कम्प्लीट करके अब कॉलेज में जाएगी। हाँ सो तो है अंजलि, हमारी टपू सेना जो है वो हाफ पैंट से फुल पैंट में आ गई है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब कॉलेज में जाएंगे, उन्हें नए नए दोस्त मिलेंगे, नए नए अनुभव होंगे, उन्हें नए नए अनुभव होंगे और मेरे लिए नए नए टेंशन आएंगे। बच्चे कॉलेज में जाएंगे, उसमें आपका टेंशन क्यों पड़ेगा? बहुत सिंपल है ना भाई, बच्चों की जिंदगी में बदलाव होंगे और बदलाव होंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी होंगी और थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी तो उसका असर होगा जेठालाल पर, और जेठालाल अगर परेशान हो टेंशन में हो तो किसके पास आएंगे? अपने फायर ब्रिगेड के पास। तो मेरे पास तो टेंशन बाकायदा चल के आने वाले हैं। और अभी एक टेंशन तो मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है आंखों के सामने। आपको क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? भाई बच्चों के एडमिशन का। भाई अभी तो सिर्फ रिजल्ट आया ना अंजलि, माना कि बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए हैं लेकिन एडमिशन होना तो बाकी है ना। और अच्छे कॉलेजेस में आजकल एडमिशन के लिए बहुत कॉम्पिटिशन होता है। फिर भी तारक, भगवान करे कि सोनू गोली टप्पू तीनों को एमके गांधी कॉलेज में साथ में एडमिशन मिले। बचपन से वो लोग एक साथ बड़े हुए, पढ़े, मस्ती की, पर अब तो कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट डिसाइड करेगा कि वो लोग एक ही कॉलेज में जाएंगे या नहीं। भाई चाहते तो हम सभी यही हैं कि तीनों साथ रहें। भाई जितना अच्छा कॉलेज चाहिए उतना एडमिशन डिफिकल्ट होगा। अच्छा कॉलेज है तो मुश्किल तो आएगी एडमिशन में। टप्पू गोली का तो आई डोंट नो, लेकिन सोनू को मुझे लगता है आर्ट्स में एडमिशन मिल जाएगा। फिर भी तारक, आई रियली होप कि उन तीनों को एक ही कॉलेज में एडमिशन मिले ताकि वो लोग यूं ही धमाल मस्ती करते रहे और उनकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहे। दरवाजा खुला रख के सोनू कहाँ है? अंदर ही होगी। सोनू, ए सोनू, ए सोनू, सोनू। How's my hairstyle? Bye bye bye. My God! Style, oh style! Chandi sticker was a fire. Okay, tell me. In college, should I keep all my hair on this side or either on this side or should I tie it into a ponytail or maybe a high ponytail? What's it? You can keep anything. But every day do something big, bigger. Different man. Taste ho. पर सोनू रोज कॉलेज जाते वक्त ऐसे डिफरेंट स्टाइल करना हो, मस्त वाटेल एकदम छान। काय मस्त वाटेल एकदम, क्या क्या सिखा रही हो तुम उसे? हां ये कॉलेज में जाने वाली है फैशन करने नहीं, लड़कियों को तो लंबी चोटी अच्छी लगती है। मेरे हिसाब से बाल कटा नहीं चाहिए। अरे हमारे जमाने में लड़कियों के बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते थे सोनू, ये ऐसे जमीन तक लंबे लंबे बाल, जमीन तक लंबी लंबी चोटी होती थी। अहो ये पाषाण युग नहीं, 3G और 4G का जमाना है। सोनू को जो पसंद है वही हेयर स्टाइल वो करेगी। हाँ अरे लेकिन 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 कुछ नहीं, मेरी तरफ से सोनू को पूरी छूट है। इसके जरिए मैं मेरे सारे अरमान पूरे करूंगी। ओके रहेगा? माधवी कॉलेज में सिर्फ फैशन करने के लिए नहीं जाते, पढ़ने के लिए भी जाते हैं। तो मैंने कब कहा सोनू पढ़ाई नहीं करेगी? अब कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ होता है, जैसे नए दोस्त बनते हैं, नए विचार जानने को मिलते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, और इसके लिए आज के जमाने के साथ कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। आपके जमाने के साथ नहीं। नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कॉलेज में जाओ, एंजॉय करो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करो। बाबा डोंट वरी, मैं कॉलेज में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। अच्छा सोनू, तेरे कॉलेज के एडमिशन का कब पता चलेगा? कल पता चल जाएगा माधवी, हमने कल ही फॉर्म भरा है ना, तो कल उसका रिजल्ट आने वाला है। ओहो मतलब स्कूल गर्ल से कॉलेज गर्ल हो जाएगी। एक कदम आगे बढ़ने वाली है मेरी बेटी। हाँ, लेकिन सोनू बेटा अभी तुम कॉलेज जाने वाली हो तो कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाना बेटा।
क्या है, कॉलेज में बिगड़े हुए बच्चे भी आते हैं, तो अपने दोस्त भी जरा सोच समझ कर चुनना। बाबा अब क्यों टेंशन ले रहे हो? कॉलेज में मेरे दूसरे फ्रेंड्स बनेंगे, पर टप्पू और गोली तो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे ना। हाँ बरोबर है, टप्पू और गोली साथ में रहेंगे तो सोनू का टेंशन ही नहीं है हमें। नहीं का टप्पू का ही तो टेंशन है। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था कि टप्पू और गोली को अलग अलग कॉलेज में एडमिशन मिला तो। बाबा प्लीज ऐसा मत बोलिए, अगर ऐसा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। काय टप्पू सेना टूट जाएगी। अरे मैं अभी आती हूँ। अभी आती हूँ मतलब कहाँ जा रही हो? टप्पू सेना से मिलने। अरे ए चल चल चल, अरे क्या कर रहा है? अरे गोली, चल 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 आसपास चल। सुनो क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोगों को याद है ना कल क्या है? कल कल सोसाइटी में किसी का बर्थडे है, पार्टी है। अरे नहीं, कल हमारे कॉलेज के एडमिशन की लिस्ट निकलने वाली है और कल हमें पता चलेगा कि हम तीनों एक साथ एक कॉलेज में होंगे या नहीं। अरे यार सोनू कहाँ याद दिला दिया? और नहीं तो क्या सोनू, हम लोग जैसे तैसे टेंशन को भूल कर खेल रहे थे, तूने फिर से याद दिला दिया। यार दिस इज नॉट फेयर, पहले रिजल्ट का टेंशन, बाद में एडमिशन का टेंशन, बाद में कॉलेज की पढ़ाई का टेंशन। इतना टेंशन तो हमारे पेरेंट्स को भी नहीं होता होगा। एग्जैक्टली गोली, इतना ज्यादा टेंशन तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी नहीं होता होगा। हाँ अरे फ्रेंड्स मेरा तो सोचो, मैं तो पिछले एक महीने से टेंशन में हूँ, तुम लोगों को देखकर सोचता हूँ मेरा क्या होगा। अरे गोगी तो अभी से क्यों टेंशन ले रहा है, तेरे टेंथ के रिजल्ट को भी बहुत टाइम है। हाँ नहीं टप्पू, हमारे बड़े कहते हैं ना दूर की सोचो, इसलिए मैं दूर की सोच रहा हूँ। गोगी अब तेरा टेंशन दूर रखना। हाँ मुझे तो ये टेंशन हो रहा है कि हम तीनों को एक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं। अगर हम तीनों अलग हो गए तो क्या होगा? कुछ भी हो जाए, हम तीनों को मुंबई की नंबर वन कॉलेज एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिला तो? अरे फ्रेंड्स डोंट वरी, बी पॉजिटिव। जैसे चांद सितारे आसमान में एक साथ रहते हैं, वैसे हम सब एक साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। हाँ लेकिन टप्पू कभी कभी सितारे भी टूट कर अलग हो जाते हैं। हाँ सोनू, लेकिन टप्पू सेना कभी नहीं टूटेगी, टप्पू सेना एक थी, एक है और एक ही रहेगी। मुझे तो फिर भी टेंशन हो रहा है, अगर हम अलग हो गए तो क्या होगा। चलो फ्रेंड्स हम जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें कभी अलग ना करें। हे किशन कन्हैया जी, जिस प्रकार आपकी और सुदामा जी की दोस्ती थी, जिस प्रकार आपकी और तेजस्वी अर्जुन जी की दोस्ती थी, उसी प्रकार हम सबकी दोस्ती है, बस ये दोस्ती कभी ना टूटे ऐसे आशीर्वाद देना। जैसे एक थाली भोजन के बिना अधूरी है, वैसे हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमें कभी अलग मत करना, हमारी थाली हमेशा भोजन से भरी रखना। कल हमारे एडमिशन की लिस्ट निकलने वाली है, प्लीज कोई ऐसा चमत्कार करना जिससे हम सबको एक साथ मुंबई की नंबर वन कॉलेज एमके गांधी में एडमिशन मिल जाए। भगवान जी मैं तो बचपन से 55% पर अटका हूँ, अगले साल मुझे 55 से 95% पर ले जाना, ताकि मुझे भी एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ये भगवान, सोनू और टप्पू को तो आर्ट्स एंड कॉमर्स में एडमिशन मिल जाएगा, पर मेरा क्या होगा, मुझे साइंस में एडमिशन मिलेगा? हे भगवान जी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये टप्पू सेना को कभी अलग मत करना। कल सुबह एमके गांधी कॉलेज जाकर देखेंगे कि हमारा एडमिशन हुआ कि नहीं। फ्रेंड्स डोंट वरी, आने वाला कल हमारे हाथ में है। चलो वड्डू काका, ये क्या है? क्या सेठ जी, पिछले महीने इतना कम सेल क्यों हुआ? वेकेशन की वजह से है? वेकेशन की छुट्टियों में लोग घूमने चले जाते हैं ना। अरे पूरा शहर थोड़ी छुट्टी पर घूमने चला जाता है। और जो नहीं जाते हैं उनको अपने बच्चों के रिजल्ट का टेंशन होता है ना। अच्छा मतलब आधा शहर छुट्टी पे चला जाता है और आधा शहर अपने बच्चों के रिजल्ट का टेंशन की वजह से घर में बैठ जाते हैं, ऐसा? तो अभी अगले महीने में भी हमारा सेल कम होगा नहीं? क्यों? बारिश का मौसम होगा ना, तो बारिश में भी खरीदी करने कौन निकलेगा घर से बाहर? वाली ये बेकार के बहाने बनाना छोड़ो और ये धंधा कैसे बढ़े उसके बारे में कुछ सोचो। सोच के क्या फायदा, बागे इतनी अच्छी अच्छी स्कीम लेकर आता है, आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अरे रिजेक्ट ना करूँ तो क्या करूँ, ऐसी वाहिया स्कीम लेके आया था। क्या था वो? टप्पू सेठ को जितने टके मार्क मिलेंगे उतने टके हम
कस्टमर को डिस्काउंट देंगे। अभी टको का 89% है, अगर हम 89% डिस्काउंट देते तो क्या होता? तो इस वक्त हम आपके सामने खड़े नहीं होते, गांव में होते। गांव में? हाँ नटू काका, सेठ जी हमें नौकरी से निकाल देते तो हमें वापस गांव ही जाना पड़ता ना। सिर्फ तुम दोनों को गांव नहीं जाना पड़ता बेटा, मुझे भी गांव भेगा होना पड़ता। शुभ शुभ बोलिए सेठ जी, किसी को गांव भेगा होने की जरूरत नहीं है। भागा एकदम फ्रेश और ताजा स्कीम लेकर आया है, बता भागा। नहीं नटू काका। अरे बता भागा। सेठ जी को स्कीम पसंद नहीं आएगी। अरे पसंद नहीं आई तो नहीं आई, बताने में हमारा क्या जाता है? क्यों सेठ जी? बता। अभी टप्पू सेठ जी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो हम एक स्कीम रखते हैं कि उस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, स्टाफ सबको हम एक एक पैम्फलेट बांटेंगे। उसमें लिखा होगा जो पहले 100 लोग हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी करेंगे उन सबको एक एक स्क्रैच कूपन मिलेगा। जो कोई उस कूपन को स्क्रैच करेगा उसे 100% इनाम मिलेगा ही मिलेगा, और उनमें से किसी एक सुपर लकी विजेता को मिलेगा सिंगापुर जाने का मौका, और बाकी के 99 को सिंगापुर जाने का मौका। शिरडी के बाजू में है ना शनि सिंगापुर, हम क्या करेंगे सेठ जी, 99 कूपन में सिंगापुर का नाम प्रिंट करवाएंगे और एक कूपन में सिंगापुर का नाम प्रिंट करवाएंगे ना। एकदम मस्त आइडिया। और मान ले प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई और 99 में सिंगापुर छप गया और एक में सिंगापुर छपा, तो वेरी सिंपल, वो सुपर लकी विजेता सिंगापुर जाएगा और बाकी के 99 को किधर सिंगापुर भेजू है? बाकी के 99 लोगों को मैं सिंगापुर भेजूंगा ना तो मैं खुद शनि सिंगापुर के मंदिर के बाहर मोबाइल का कवर बेचते हुए नजर आऊंगा। बागा ये स्कीम बराबर नहीं है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है नटू काका, सेठ जी हम कुछ और सोच के आते हैं, आइए। ये टप्पू के एडमिशन का टेंशन कम था कि अभी ये धंधे का टेंशन आ गया। यार धंधे के टेंशन से तो मैं निपट लूंगा, ये टप्पू के एडमिशन के टेंशन से आप ही निपटना प्रभु। सुनीता मुझे आधा किलो टमाटर दो। किलो दया भाभी। सुनीता क्या हुआ, टेंशन में लग रही हो? हाँ टेंशन में तो हूँ, पर आपको कैसे पता चला? सुनीता मैंने तुम्हें आधा किलो टमाटर देने को बोला और तू गलती से मुझे आधा किलो ककड़ी दे रही है। ओ काएगो? सारी वो क्या है ना, कल मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, बस उसी का टेंशन है। हाँ ये एडमिशन का टेंशन मुझे भी है और इसी टेंशन की वजह से आज मुझसे नाश्ते में गड़बड़ हो गई। डबल मिर्ची डाली मैंने। अरे क्या हंस ने वो डबल मिर्ची वाला नाश्ता तो किया ही, उसके ऊपर 1 किलो आइसक्रीम खाया है तो। पर सुनीता तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है, तेरे बेटे के तो कितने अच्छे परसेंटेज आए हैं, उसे एडमिशन मिल जाएगा। हाँ। अरे अंजलि बहन अच्छे परसेंटेज से क्या होता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी तो मिलनी चाहिए ना। बराबर है, ये तो जूते की जोड़ी जैसा है। मतलब जूते की जोड़ी? समझती हूँ, जूते हमेशा जोड़ी में ही अच्छे लगते हैं। एक जूता अच्छा हो और दूसरा जूता खराब हो तो वो अच्छा वाला जूता है ना वो भी बेकार दिखने लगता है। वैसा ठीक इसमें भी है, अच्छे मार्क्स मिले उसके साथ साथ अच्छे कॉलेज में दाखिला मिले ना तो ही जोड़ी जमती है। बराबर, एकदम साची बात कह दया भाभी, लड़ाई तो एडमिशन नीचे, और मैंने सुना है आजकल एडमिशन के लिए डोनेशन लेते हैं, और ऐसे भी गरीब लोगों को बिना पैसे का कहाँ अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। कहीं नहीं, पर आप लोग चिंता मत करो, भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने भी सोनू और टप्पू सेना के लिए प्रार्थना की है कि उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। थैंक यू माधवी भाभी, एंड आई जस्ट होप सब बच्चों का एक ही कॉलेज में एडमिशन हो जाए। कल टप्पू दीक्षा का भी एडमिशन होने वाला है, घर जाकर टप्पू के पापा को फोन करके पूछती हूँ, उनको ये याद है ना? हाँ बोल दे, क्या काम है? अरे काम से फोन करने वाले तो मतलब ही होते हैं,
हम प्यार करने वाले तो ऐसे ही बिना काम के फोन करते हैं। चल हो गया तेरा टाइम पास, अभी फोन रख। चल मुझे यहाँ बहुत काम है भाई। एक मिनट, मुझे बात सुनिए। मैं क्या कहती हूँ कि आपको पता है ना कल क्या है? क्या है? अरे कल बहुत बड़े दिन है। अच्छा कौन सा त्योहार है कल? अरे कल हमारे टप्पू का एडमिशन होने वाला है, भूल गए? अरे भाई वो तो मुझे बराबर याद है, टप्पू के एडमिशन की बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। पहले उसके रिजल्ट को लेकर टेंशन था, अभी एडमिशन का टेंशन है कि टप्पू को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कॉलेज में जाके क्या करेगा? पढ़ाई करेगा कि वहाँ भी खिड़की के कांच तोड़ेगा? ऐसे कई सारे सवाल दिन रात मेरे दिमाग में घूमते ही रहते हैं। वाह टप्पू के पापा, मानना पड़ेगा बिजनेस का इतना सारा टेंशन है फिर भी आप घर की एक एक बात याद रखते हैं। बुद्धिमान आपको टप्पू की मम्मी का दिल से सलाम। थैंक यू। चल फोन रख अभी। अरे सुनिए मैं क्या कहती हूँ, आप टप्पू के एडमिशन का टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैंने माँ को फोन करके पूछा था। दया अभी मैं और कोई मन्नत मन्नत रखने वाला नहीं हूँ, कह देता हूँ। देख डरिए मत, देखिए मैंने कहा है इस बार मन्नत रखने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है और कुछ? और बस कुछ नहीं। हाँ तो चल फोन रख अभी। सेठ जी एक बात पूछनी थी आपसे। क्या? बागा तू पूछ। नहीं नहीं नट्टू काका आप ही पूछिए। अरे पूछ पूछ भागा, इसमें सेठ जी नहीं भड़केंगे। मुझे भड़कना पड़े ऐसी बात है तो मेहरबानी करके मत पूछो। नहीं नहीं सेठ जी, वैसे तो हमारी इस बात में आपको भड़कने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी आप कब किस बात पे भड़क जाते हैं वो कह नहीं सकते, इसलिए आपको पूछने से डर लगता है। भागा अभी नहीं पूछेगा तो सेठ जी भड़केंगे, इससे अच्छा है पूछ डाल। सेठ जी कल टप्पू सेठ जी का एडमिशन होने वाला है तो सबको बांटने के लिए हम लोग पेढ़े ले आए। क्या है सेठ जी कल चारों ओर एडमिशन हो रहे होंगे तो पेढ़े मिलना शायद मुश्किल हो जाए, तो आज एडवांस में ले ले तो अच्छा है। और आज हमने पेढ़े ले लिए और कल एडमिशन नहीं मिला तो? कहाँ जा रहे? अभी आपने बात ही ऐसी कह दी फिर यहाँ खड़े रह के क्या फायदा? भला कोई अपने बेटे के एडमिशन के बारे में ऐसा नकारात्मक सोचता है? हाँ हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। टप्पू सेठ जी को एडमिशन मिल जाएगा, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। सॉरी क्या है टप्पू के एडमिशन का इतना टेंशन है कि कभी कभी मुझे खुद को पता नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ। सॉरी। अरे हाँ कल मैं टप्पू के साथ एमके गांधी कॉलेज में जाने वाला हूँ एडमिशन के लिए, तो शायद दुकान आने में लेट हो जाएगा, तो आप दोनों जरा दुकान संभाल लेना था। तो पेड़े का क्या करना है सेठ जी, मंगवा लें? टेंशन मत लीजिए सेठ जी, टप्पू सेठ को एडमिशन मिल जाएगा। मित्रों बच्चे के जन्म के वक्त जो टेंशन होता है, इन दिनों बच्चे के स्कूल या कॉलेज के एडमिशन के वक्त भी वैसा ही टेंशन होता है। इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी टेंशन में है कि टप्पू सेना को उनके मनपसंद का कॉलेज मिलेगा या नहीं, जिसमें वो एडमिशन चाहते हैं वो उन्हें प्राप्त होगा या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल के दोस्त कॉलेज में आके बदल जाते हैं, उनकी दोस्ती टूट जाती है। अब देखना यह है कि टप्पू सेना के ये साथी इनकी दोस्ती बरकरार रहती है या नहीं, और एक ही कॉलेज में ये जा पाते हैं या नहीं, इनकी दोस्ती कहीं टूट के बिखर ना जाए। अब ये सब जानने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा, देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओ जेठालाल, अरे बहुत लेट हो रहा है भाई, काम नक्की नाश्ते की वजह से लेट किया है तुमने। अरे भाई मैंने नाश्ता नहीं किया है। अरे लेकिन गुस्सा क्यों हो रहे हैं तुम? बाबूजी नाश्ता किया नहीं है फिर भी इल्जाम लगा रहे, तो नाश्ता कर ले। नहीं नहीं चाचा जी, जेठालाल अभी नाश्ता करने बैठोगे तो लेट हो जाएगा। अरे भाई मुझे नहीं करना है नाश्ता।
टप्पू के पापा, आप सबको बातों में उलझा कर रखिए, तब तक मैं आपके नाश्ते का डिब्बा पैक कर देती हूँ और बच्चों को एडमिशन होते ही आप नाश्ते का डिब्बा नाश्ता कर लेना। अरे मुझे नहीं करना है नाश्ता, मैं क्या गोली हूँ जो हमेशा नाश्ते के बारे में सोचता रहूँ। थैंक यू जेठा अंकल, आपने मेरा उदाहरण दिया। पीड़ा अंकल हमेशा कहते हैं किसी को उदाहरण देना बहुत आसान है पर किसी के लिए उदाहरण बनना बहुत मुश्किल।